विपक्ष के कई बड़े नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंच पर एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने यहां सामाजिक न्याय को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। स्टालिन के संगठन ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस का सामाजिक न्याय को लेकर यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। सम्मेलन को विपक्ष के कई नेताओं ने संबोधित किया। स्टालिन सहित कई नेता वर्चुअल माध्यम से आयोजन में अपनी बात उन्होंने रखी। विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास के लिए सबको साथ आना होगा। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने इस सम्मेलन में विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि दो तीन राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते। मैं बीजू जनता दल के नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी से आग्रह करूंगा कि आप साथ आइए। ये समय बिल्कुल स्पष्ट होने का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने उन्होंने कहा कि सभी को बेहतर जिंदगी उपलब्ध कराने के लिए सबको एकजुट होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे और केंद्र में सरकार नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसे नहीं रोका गया तो सामाजिक न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक आरएसएस की विचारधारा वालों को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए सबको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अपने अपने अहम को दूर रखकर एक होकर लड़ने की जरूरत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज शोषणकारी व्यवस्था की समाप्ति के लिए परस्पर विचार विमर्श और संघर्ष की आवश्यकता है। समता, संपन्नता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सभी सशक्त शक्तियां संगठित हों। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि आने वाली जनगणना में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक बयान दिया तो कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान हो गया, जबकि मोदी जाति नहीं है, मोदी एक उपनाम है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता के प्रदर्शन के रूप में देखे जाने वाले इस आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। हालांकि एमके स्टालिन की ओर से किए गए सम्मेलन को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।